गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो आज एज आप लोगों को पता है, जो लोग मेरे फ्रेंड स्कूल जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था कि स्कूल होगा 6 बजे, लेकिन हमारा स्कूल जो है बोला गया है कि 6:30 को स्टार्ट होगा। तो इसलिए वैन जो है ना वो 5:45 को आएगा और पूरा आधा घंटा 45 मिनट्स वैन होगा सबको लेने के लिए। आई होप हम लोग लेट ना हो जाए, ठीक है। तो अभी टाइम हो रहा है कितना, हाँ अभी टाइम हो रहा है 5:37, तो 5:45 में थोड़ा कमी मिनट्स है, तो 5:45 होने दो, वैन आएगा, मैं जाऊँगी। वैसे आज मैं 9 बजे वापस आ जाऊँगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि मैं हूँ घर में हूँ या नहीं, क्योंकि इतने बजे तो मैं सो ही रहती हूँ और फिर मैं उठती हूँ खुद 9 बजे, तो इसीलिए तो ऐसा लगेगा जैसे कि रेडी शेडी होके उठी हूँ वैसा लगेगा। और मम्मी से वापस आ गई हूँ मैं, 9:45 हुआ था तब मैं वापस आई थी। मुझे याद है क्योंकि पापा ने मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग बोला था, अरे 5 वाला या 0 वाला टाइम है, तो इसीलिए याद रह गया। तो एनीवे आज मैंने कहा ना, कल गलत टाइम टेबल पैक कर लिया था, मैंने गलती से सैटरडे का टाइम टेबल पैक कर लिया था, लेकिन मुझे आज के डे का जो टाइम टेबल है वो पैक करके लेना था। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बुक शेयर किया और थोड़ा सा मैंने मेरे रफ कॉपी जो ली थी उसमें लिख दिया, तो उसमें फिर देख के मुझे लिखना है। तो एनीवे अभी 1 बज रहा है, तो चलो हम लोग लंच करते हैं। मम्मी पता है आज फिर से मेरा टेस्ट है। हाँ कौन सा? साइंस और मैथ दोनों का। सो एनीवे फ्रेंड्स, मम्मी क्या खा रही है, पांता भात बोलते हैं, पखाला, और ये क्या क्या खा रही है फ्रेंड्स को बोल दो। परवल की फ्राई और ये गुटा मूंग का दाल और दही और भिंडी फ्राई। अच्छा, मैं भिंडी फ्राई, ये दही, मैं भी परवल, और ये मेरा चावल को ज्यादा दे रही मम्मी, थोड़ा कम कर दो। थोड़ा ज्यादा दीदी, कम कर दो। मैं खाऊंगी। और मैंने वो जो केपॉप गाने का कवर किया था ना, उसका मुझे फिर एडिटिंग भी करना है, मतलब इतना भी कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन आधा तो एडिट करके रख देना चाहिए ना, जितना आज हो पाएगा मुझसे, ताकि मुझे एंड मोमेंट में ज़्यादा कुछ करने को ना पड़े। तो एनीवे मैं अभी खा लेती हूँ और आप लोगों को मिलती हूँ दोपहर को, जब मैं पढ़ रही हूँगी। सो हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टाइम हो गया है और अभी बस 10 मिनट है मेरा कोचिंग के लिए, तो बैग सारा पैक करके अभी मैं कोचिंग जाने वाली हूँ। और दोपहर को मैं सो गई थी, आज मेरा दोनों सब्जेक्ट का टेस्ट है प्रिपेयर्ड, तो बिल्कुल चलो हूँ ठीक ठाक, बस भगवान करे अच्छा टेस्ट में मार्क आ जाए, क्योंकि 18 से नीचे मार्क आएगा तो सर बोले सबको पीटेंगे, तो इसलिए मार्क तो लाना पड़ेगा अच्छा, इधर सर पीटेंगे इधर माता जी भी हैं, इधर डांट पड़ेगी मुझे। तो मेरा मार्क्स जो है ना वो टूट गया था, मतलब साइड से ऐसे लोहिया हो गया था, तो इसीलिए मम्मी इसको सिल दे रही है ताकि वो ना मास्क में पहन के चल जाओ, क्योंकि मुझे मेरा वो ब्लैक वाला मास्क नहीं मिल रहा है, आप जानते हो मेरा हमेशा वो मास्क खोने का है और मिलने का। हाँ, गाजर खा के आए हो, क्या देख रहे हो टीवी में? दीदी का वीडियो देखो, प्रियांशी दीदी का वीडियो देख रहे हो? हाँ, दीदी चाय बना रही है। हाँ, मेरे लिए बना रही है, मम्मी के लिए है ना, ये पिछले साल का वीडियो है दीदी का डेली रूटीन। और प्रियांशी दीदी का बाल देखो कितना कम था, तब कट कर दिए थे ना, इवनिंग वर्कआउट। उसका बाल देखो दीदी का कितना कम है। नीमू को मिलने आए, नीमू को मिलने आ गए, स्कूल में क्या क्या पढ़ाई की है बता दो फ्रेंड्स लोगों को, थोड़ा चिल्ला के बोलो, दीदी का साउंड थोड़ा बंद करते हैं। हाँ हाँ बोलो, अभी फ्रेंड्स लोगों को बोलो क्या पढ़ाई करके आए हो। 1 2 3 4 सो क्यों गए, सो क्यों गए,
प्रियांशी दीदी कहाँ गई है बता दो फ्रेंड्स लोगों को। स्कूल गई है। ट्यूशन कोचिंग हमारा फीसी ढूंढ रहा है। श्रेयांश आ गया है बोल के ना। श्रेयांश आ गया है। हेलो नीमो बोल दो। हेलो हेलो नीमो कैसे हो बोलो। खाना देंगे। हाँ सुनो तुम आजकल जल्दी से आके नीमो को खाना दे देती हो देते हो ना तो प्रियांशी दीदी और रात को नहीं देती है क्योंकि मैं बोलती हूँ कि श्रेयांश आया था और नीमो को दे दिया है खाना और तुम मत दो बोलती हो। हाँ उतना दो ज्यादा दोगे तो वो ये हो जाएगा ना खा खा के। कैसे खाया। अरे बापरे नीमो थैंक यू बोल दो श्रेयांश को। नीमो बोला तुमको थैंक यू श्रेयांश भैया। मम्मी को बोल दो जाके तुम्हारी मम्मी को बोल दो। नीमो तुमको क्या बोला खाना दिए तो। मैं कोचिंग से आ गई वापस और हाँ अब क्या हुआ तो मम्मी को ना खुशखबरी है कि उन्हें मेन रोड में स्कूटी चलाना आ गया है बट वो मुझे एस्प्लेनेड तक आ चुका है और मुझे एस्प्लेनेड तक नहीं लेगी तो एक शॉप है हमारे घर के पास पापा के पास। अरे मैं नहीं दे रही आपको। सो मम्मी ना मुझे हमारे घर के पास एक मॉल जैसा है शॉप है इसीलिए मम्मी मुझे वहां तक चला के लेगी स्कूटी और मुझे ना चिप्स भी खरीदना है थोड़ा सा तो मेरे पास है 200 रुपए और मम्मी आप सब्जी भी खरीद ले आएंगे ना थोड़ा सा। सब्जी भी कहाँ मिल गया 9 बजे है। हाँ, मिल जाएगा हमारे वहाँ पास में है। हाँ वहाँ से सब्जी भी लेंगे और मम्मी मुझे राइड भी देगी स्कूटर राइड। तो आज मैं ना कोचिंग अगर साइकिल लेके ना जाती तो मम्मी मुझे अपनी स्कूटी में बैठा के वापस ले आती और आज हम कल फिर से स्कूल है तो आज मम्मी मैं 10:30 बजे सोऊंगी ठीक है। मुझे एक्चुअली कुछ होमवर्क भी करना है स्कूल के सो यू नो बाय पापा। है मैं मेरा चप्पल पहन के पापा ना आज बना रहे नॉन वेज किचन में पता नहीं बना पाएंगे कि नहीं एक्चुअली फ्राई कर रहे मम्मी ने मैरिनेट कर दिया है यानी हम लोग चलते हैं। मम्मी बाहर चले गए तो दौड़ दौड़ के चलते हैं। अभी मैं मम्मी को ये सब बताऊंगी कि कोचिंग में क्या हुआ। ओ धन्नो चले धन्नो ए मेरे धन्नो देख के गिरेगा बैठ जाओ चल लाल होगी तो पक्का। एक सेकंड अरे पैर का भी अरे आपके पैर में बजेगा। अच्छा आप मुझे देख पा रहे हो कि नहीं फ्रेंड्स लेकिन हम लोग स्कूटी में हैं जा रहे हैं नॉट श्योर आप मुझे हाँ अभी देख पा रहे हो ओके चलो सब्जी खरीदेंगे। दो नहीं मेरे पर्स पर्स बोल रहे चेंज भर दीजिए चलो चलते हैं। बिल पकड़ के रखो। हम जा रहे हैं स्मार्ट पॉइंट से मेरा बड़ा ट्रक है तो आई डोंट नो कैसे जाएंगे। जा पाएंगे हाँ जा पाएंगे शायद अगर ये ट्रक कुछ ना करे। अरे मारा कि क्या नमस्ते नमस्ते ये अंकल मुझे नमस्ते बोल रहे थे कि अंदर खाओ हमने लूट मचा रखी है अंकल मैं नहीं खा रही चलते हैं। रिलायंस प्रेस से चिप्स नहीं मिला तो अभी वो हम सूख गए हैं हम सबसे एक चिप्स लेगी और आ जाएगी क्योंकि हम घर से बस 200 रुपीज़ ही लेके आए थे बस आलू प्याज लेने के लिए और ऐसे ही मैं गाड़ी सीखने आई थी तो फियांसी को बिठा के ले गई और वापस आ चुके हैं हम शुभ से। और ये आइसक्रीम लाई है प्रियांशी बट आज खाई नहीं ना। हाँ और मैंने ना होमवर्क लास्ट मोमेंट में किया आज तो इसलिए क्या कर सकते हैं इसलिए आप लोग कभी भी लास्ट मोमेंट में अपना होमवर्क मत करना बहुत तकलीफ हो जाती है। नहीं तो 11 बजे तक हम लोगों को जगे रहना पड़ेगा और कल सुबह भी 5 बजे उठना है हम लोगों को। मम्मी को तो 6:30 बजे उठना है कल मुझे सैंडविच देना। हाँ सैंडविच दूंगी ठीक है तो ऐसे ही रात को। और प्रियांशी को मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं उसको चला के मतलब मेन रोड में ले लूंगी। हमें सोची थी कि नहीं कर पाएगी ऐसे ही बोल रही है
लेकिन मैंने कर लिया, कर लिया, हमने कर दिखाया। सो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग भी कोशिश करते रहना ताकि आप हमने और मैं प्रियांशी को बोल रही हूँ कल मैं उसको ट्यूशन लेने जाऊंगी, साइकिल लेके मत जाओ बोल रही हूँ, बिठा छोड़ने भी चले जाओ, वो छोड़ने नहीं जा पा, गाड़ी ले लेते हैं ना इसलिए। अच्छा ठीक है, एनीवे फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को एंड कर दे मम्मी। अच्छा मेरे साथ एंड करोगी ठीक है। सो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा आज का ये ब्लॉग? अगर अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, नहीं तो सब्सक्राइब किस काम का? फ्रेंड्सी को बहुत ही टायर्ड लग रहा है, वो सो जाएगी ना जल्दी। मैंने आंख से तो पता नहीं चल रहा होगा लेकिन मैं सच्ची में थोड़ी टायर्ड हूँ। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। जाओ जा रही हूँ।